क्या वक्त हुआ दिलीप? सोने क्या सुहाना सपना मैं देख रहा था। सपना? क्या सपना देख रहे थे भैया? तुझे देख रहा था। मुझे? हाँ, कि तू बहुत बड़ा अफसर हो गया है। कितनी बड़ी मोटर है तेरी, नौकर हैं। ओ बस 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 बस, तुम हमेशा मेरे सपने देखा करते हो, अपना सपना भी तो देखो। ओए तू ही तो है मेरा सपना। तेरा सुख मेरा सुख, तू पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है। भगवान मेरा ये सपना जल्दी पूरा करे। नहीं भगवान, पहले मेरा सपना पूरा कर और भैया को सद्बुद्धि दे, ताकि मेरे लिए छोटी सी अच्छी सी भाभी ले आए। सद्बुद्धि के बच्चे, तू भाभी की चिंता छोड़, पढ़ाई की चिंता कर। पढ़ाई तो सुबह 4 बजे से कर रहा हूँ भैया, अब भी वहीं जा रहा हूँ। टाटा। ये क्या? टाटा का मतलब अंग्रेजी में? बहुत बढ़िया। शंकर भैया क्या हाल है? जग्गू बाबा भाई, शादी वादी करा लो, अब हो जाएगी बाबा, हो जाएगी। अच्छा भाई, खुश रहो। ओ भगवान, ओ भगवान, ओए ओ ओ ओ, आया ए मिस्टर। क्या है? मेरी टोपी। मेरी टोपी? ये तो मेरी, ये आपकी है, मेरी कहाँ है? ओ लोग मेरी टोपी। ये लो, भगवान। कहाँ मर गया तेरे? वहाँ मर गया, जिंदा हूँ क्या? काम से पहले हाजिर और काम के वक्त गायब। मुझे तेरी सूरत से नफरत है, मगर मैं क्या करूं, मुझे तेरा नाम प्यारा लगता है। तेरी वजह से भगवान का नाम मुझे निकल जाता है, इसलिए माँ ने सोच समझ के मेरा नाम भगवान रखा। भगवान रखी तो ज्यादा अच्छा रहता। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, हैंडल मार दे रहा हूँ। मालूम होता भाई को नाश्ता नहीं मिला। Thank you.
कहती है कि चलते चलो, दिल कहता है जरा तो दम ले लो, डगर कहती है कि चलते चलो। मंजिल तेरे दीवाने, तेरे दीवाने रुकना न जाने। मंजिल तेरे दीवाने, तेरे दीवाने रुकना न जाने। दिल कहता है जरा तो दम ले लो, डगर कहती है कि चलते चलो। दिल कहता है जरा तो दम ले लो, डगर कहती है कि चलते चलो। ये रंग भरे बादल ओ, किसके ख्यालों ने आके मचा दिए हलचल। जिंदगी है ये ख्वाब नहीं है प्यारे, आग भी है बस राज नहीं है प्यारे। जिंदगी है ये ख्वाब नहीं है प्यारे, आग भी है बस नहीं है। कहीं कड़ी धूप है कहीं छाया, कहीं कड़ी धूप है कहीं छाया। रख पे ये ऊँचे नीचे जाने पहचाने। दिल कहता है जरा तो दम ले लो, डगर कहती है कि चलते चलो। दिल कहता है जरा तो दम ले लो, डगर कहती है कि चलते चलो। गाते वो पंछी चले घर अपने, ओ, आई है शाम सुहानी लेके नए सपने। सूनी सूनी राहें दूर हमारा घर, रह गई है एक आह निकल कर। सूनी सूनी राहें दूर हमारा घर, रह गई है एक आह निकल कर। अभी सारी रात है तेरे आगे, अभी सारी रात है तेरे आगे। ये तो इब्तिदा है भोले भाले परवाना। दिल कहता है जरा तो दम ले लो, डगर कहती है कि चलते चलो। दिल कहता है जरा तो दम ले लो, डगर कहती है कि चलते चलो। मंजिल तेरे दीवाने, तेरे दीवाने रुकना न जाने। मंजिल तेरे दीवाने, तेरे दीवाने रुकना न जाने। शंकर भैया, दिवाली तो अभी दूर है, ये फटाके से छोड़ा? अरे घनचक्कर फटाके नहीं है,
चक्का बस हुआ। चक्का बस हुआ, ये अच्छा हुआ शंकर भैया के घाट में नहीं हुआ। अगर वहाँ होता तो हम दोनों मेरे घर पहुँच जाते। मेरा मतलब है कि ऊपर भगवान के पास। भगवान के बच्चे, तू बकवास बंद कर और नीचे उतर, चेक निकाल। एकदम करेक्ट। बलदेव दादा की दुकान नजदीक है, वहाँ चलते। अच्छी बात है। कौन सा चक्का? और चल भी आता हूँ। बलदेव दादा नहीं है क्या? ये पंचर को नहीं बच्चे पंप से भरू या मुझ तुझे से क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मुंह डूब जाएगा। मुंह मेरा है या तेरा? ये मेरा है, वो तेरा है। नहीं, बोलो बोलो। दिन हो गया पंचायत क्या? कुछ नहीं, अब तुम पंखे जोड़ो, पंखे जोड़ो। अरे कौन है शंकर, क्या हाल है? तुम कैसे हो? अपने यहाँ रखते हैं सर, क्या जरा बुरे हैं, एक पैसा बेकार हो गया। फिक्र मत करो, डॉक्टर आगे अभी ठीक देता हूँ। जमना ये ले, तू जाकर रोटी देगा अंदर, इसे मैं ठीक कर दूंगा। बलदेव दादा। हाँ। ये लड़की कौन है? मेरी बेटी। ओ, अब तक अभी नानी रहती थी, अब मैं तो यहाँ आया हूँ शादी के लिए। दादा शादी में नहीं करोगे ना? अबे लड़के से नहीं तो क्या ट्रक से करूँ मैं चटनी के? हाँ समझे, नहीं मेरा मतलब ये है कि मैंने जो एक लड़का है, खानदान का शरीफ, मिजाज का नेक, राज करेगी तुम्हारी बेटी। हाँ, और फिर सास की झकझक नहीं, ससुर की बकबक नहीं, दोनों की पहले ही छुट्टी हो गई है। एक भाई है, वो भी सौतेला है। सौतेला भाई? हाँ, दिलीप नाम है उसका, लेकिन दोनों में सगे भाई से ज्यादा प्यार है। अबे लड़का है कौन, काम क्या करता है? बड़ी अच्छी चल चलाता है, यानी कि ट्रक ड्राइवर है। अच्छा, तेरा सर तो नहीं फिर गया है? मेरी लड़की और मेरे ट्रक शादी करूँ तो तुम आदमी होते? आदमी नहीं तो फिर क्या होते? सर फिर मुर्गे। मुर्गे बलदेव दादा, सोच समझ के बात किया करो। सभी को एक ही लाठी से नहीं आगा करते, हर पेशे में अच्छे आदमी भी होते हैं, बुरे आदमी भी होते हैं। और जिनके सारे दुकान चल रही है उनको बुरा भला कह रहे हो? अभी अगर ट्रक ड्राइवर मीटिंग करवा दो दादा, कल सुबह ही सुबह में ताला लगा के भागना पड़ेगा। तुम तो सर पे चढ़ गया यार, मैं तो मजाक कर रहा था। बेटे क्या बनेगी दादा, जरा जरा मामला। देखती ही रहोगे या लोगे भी कुछ? जी तो चाहता है सारी दुकान खरीद। चलो मजाक करते, काहे में लोगे भाई? ये लो, फैला दिया। क्या दी? लेने वाले ने तो पल्ला फैला दिया, अब दाता की मर्जी। कितने पैसे? पैसे पैसे फिर दे जाना। अच्छा, अब तो मैं इस दुकान का परमानेंट ग्राहक बन गया।
देखो दिलीप किताबें भूल गया, मैं अभी दे आती हूँ। अच्छा जाजा जल्दी आइयो। अच्छा दिलीप, दिलीप ये लो किताबें, दुकान की भूल आए। मैं तो कुछ और ही भूल आया था। हमारे दिलीप उठा लो भाजी, किसी ने नहीं देखा भाई, गार किसी ने नहीं देखा। खांचे वाली से क्या चक्कर है? समझ गए, समझ गए। अपने मोहल्ले में फेंक देते हैं। अरे भगवान के पर आ रहा है? नहीं नहीं, इसको भी पर आ रहा है बेटा, तुम ध्यान लगा कर पढ़ रहा हूँ। बड़ी अच्छी जगह शादी करवा रही हूँ। गाड़ी गर्म हो गई, जरा ठंडी कर ले, मैं अभी आता हूँ। समझ गया समझ गया, गाड़ी जगह देख लीजिए, अपने हुआ करेगी यही। क्या हुआ जन्ना? कांटा लग गया। देखो हैराम, घबरा नहीं जन्ना, अभी निकाले देता हूँ। निकलो कांटे के बच्चे, तेरा यहाँ क्या काम? ये पैर तो फूलों के लिए हैं। निकल गया, अब इसका मुंह तोड़ के इसको दूर फेंक दे। वाह, तू क्यों फेंक दू? मैं तो इसे अपने पास रखूंगा, सोने की दिव्या में डाल। इसी लगा क्या करेगा? अरे पगली, इसी की बदौलत तो तेरे चरण छूने का मौका मिला है। भगवान कसम, या तो भगवान के चरण छुए या आज तेरे। हाय राम, कोई औरत के पैर भी छूते हैं? मैंने तो पहले बलदेव दादा के पैर छूने की कोशिश की थी, पर उन्होंने दूर से ही खींच लिया। जब मैं तू ही बता, मैं बुरा नहीं हूं। मैं तेरे को पसंद हूँ, सच कह रही। मेरी कसम खा। तेरी कसम? फिर तू यही बात अपने बाप से कह दे। कौन सी बात? ये कि मैं तेरे को बहुत पसंद हूँ, फिर वो तेरी शादी मेरे साथ कर देगा ना? साहब हो गई गाड़ी ठीक। चलो भगवान, डोले मन डोले, मेरा दिल का गया करार रे, उन बजाए बांसुरियां। तन डोले मेरा मन डोले, मेरा दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरियां।
गड्डी बिच बैठा जाओ जी कोई क्या कहेगा। तू जैसे फूलों वाली डाली बोलिए तू तो है ना जो की पली गोरा रंग चल जाए ना। ना तो मैं फूलों वाली डाली चलिए ना मैं ना जो की पली कुछ भी और को बना। घड़ी भर साए में तो आ जा सर क्या दिया कहे आजा गड्डी बिच बैठा जाओ जी कोई क्या कहेगा। ओ गोरी आजा गड्डी बिच बैठा जाओ जी कोई क्या कहेगा। राहें माना है अनजानी तेरे संग मैं जो हूँ मेरी पहचानी ये कभी छोड़ जाए ना। कहेंगे क्या ये दुनिया वाले देखो दिल में सपना जाओ जी कोई क्या कहेगा। गोरी आजा गड्डी बिच बैठा जाओ जी कोई क्या कहेगा। कह तो डोली लेके आऊं बन के दुल्हन तुझको घर ले जाऊं अगर तू दिल से कहे हाँ। अगर तुम डोली लेके आओ तुझको ले जाऊं मेरा दिल कैसे कहे ना। भूला मत देना अपना वादा आजा गड्डी बिच बैठा जाओ जी कोई क्या कहेगा। ओ गोरी आजा गड्डी बिच बैठा जाओ जी कोई क्या कहेगा। ओ भगवान है। हाँ क्या जाओ बोले। हाँ भगवान तो हमेशा ऊपर ही रहता है लेकिन नीचे वालों की सब हरकत दिखता रहता है ये लगता है।
तो कहाँ से आ रही थी? मैं मनेश्वर के मंदिर में गई थी भगवान के दर्शन करने। आज सोमवार है ना? क्या क्या मांगा था भगवान से? भैया उससे कुछ नहीं मांगा। ओए तू चुप रह। बता ना क्या क्या मांगा था भगवान से? कुछ भी नहीं। कुछ तो मांगा ही होगा, बता ना क्या मांगा था। बताओ। कुछ नहीं। मैं बताऊं तुमने क्या मांगा था? तुमने मांगा था रास्ते में शंकर मिल जाए, शंकर की ट्रक मिल जाए, मैं शंकर के पास बैठ जाऊं और बातें करते करते आराम से अपने घर पहुंच जाऊं। ये मांगा था ना? नहीं, मैंने ये नहीं मांगा था। खैर मैंने तो घर से चलते वक्त यही मांगा था, रास्ते में जमुना मिल जाए, मैं उसको अपने पास बिठा लूं, बिल्कुल अपने पास, और उसके साथ मीठी मीठी बातें करते करते बस चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं, चलता ही जाऊं। शंकर अभी गाड़ी तक आ जाते तो? तू गाड़ी की फिक्र ना कर जमुना, गाड़ी मेरे काबू में है। लेकिन लेकिन क्या? उस दिन से मेरा दिल काबू में नहीं है। किस दिन से? जिस दिन तुझे साइकिल की ट्यूब में हवा भरते देखा था। जमना एक बार फिर मुंह फुला के दिखा, दिखा ना। दिखा। भगवान मैं अपने से नहीं तुझसे कह रहा हूँ, ड्राइवर के तकदीर का ब्रेक तुमने खोल दिया, क्लीनर के तकदीर का ब्रेक कब खोलोगे? वो तो एकदम ये आम हो गया है। भैया अभी चल रो। ओए तू चुप बैठ, अभी चलते हैं। कब आएगा? शाम को। और घायल दिल मेरा हुआ, फिर मुझसे पूछो क्या हुआ। कहाँ से आया?
लड़ गई नजर पर घायल दिल मेरा हुआ फिर मुझसे पूछो दिल मतला याद आए दिन बचपन के याद आए दिन बचपन के कुछ इस तरह दिल मतला याद आए दिन बचपन के याद आए दिन बचपन के नजर से लड़ गई नजर और घायल दिल मेरा हुआ फिर मुझसे पूछो क्या हुआ नजर से लड़ गई नजर और पल में दिल पीड़ा हुआ फिर है पागली क्या हुआ खुश नजर आता है मैं सर मैं तो तुमसे पूछ रहा था भैया तुम मुझे बहुत खुश मालूम हो रहे हो मैं खुश नजर हाँ जाती उठा गई का क्या बात है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं बात बता दिया करो मैं तुमसे पूछ रहा था मुझसे पूछने लगा अरे ये बताओ दिलीप तुझे बड़ी तकलीफ है मुझे तकलीफ पढ़ना नहीं पड़ता है चौके का काम करना पड़ता है कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं बाजार जाना पड़ता है भाजी भाजी लाने के लिए खुश हो पागल हो गया क्या ये खुश होने की बात है खुश अरे मैं कुछ और सोच रहा था फिर क्या बात है बताओ मैं सोच ही रहा था क्या तेरे लिए कुछ कर डालू मेरे लिए कर डालू मगर क्या करोगे भैया कर डालू हाँ मैं सोच रहा था तेरे लिए भाभी ले आऊं भाभी अरे एक बात फिर कह दो भैया अरे जय गोपाल जी की जय गोपाल जी हाँ भाई शंकर मैं अभी थारे के लिए जाने जा रहा अरे बाप खुद जो आप पहुंचा है सेवा के लिए तुम्हारा दावा आप तो बोले साहब बता अरे क्या हिसाब है ये देख लो पिछले हफ्ते का सारा खर्चा निकाल के 200 बचे 50 मेरे और 150 तुम्हारे ये लो 150 गिनते लो पहले अरे काया गिनो है मारी तो समझ में ना आवा हर हफ्ते आमदनी घटती जाए लालच न किया करो सेठ किसी हफ्ते कम किसी हफ्ते ज्यादा ऐसा तो चलते ही रहता है ऐसा चलने में कि ट्रक न निकल जाए बहुत कम चाहिए आमदनी तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पे शक है यह बात नहीं है शंकर शक होता तो मैं तुम्हें भागीदार काहे को बनाता तो फिर बात क्या है बात यह है कि मान्य तत्वों में मुनाफा नजर नहीं आता बोलू ट्रक ना बेच दो क्या मतलब है तुम्हारा सीधो मतलब है दरअसल मारे के लिए गाहक तैयार तो 15,000 रुपया रोकड़ा हमारी चोरी में डालता है तुम अपना हिस्सा उठाओ हम अपना किस्सा खत्म देखो सेठ ट्रक को बेचने का दोबारा नाम ना लेना क्यों क्यों जितना तुमने डाला उतना तुम्हें कमा के दे चुका हूँ ये ट्रक मेरी रोटी है रोटी इसे मैं कभी बिकने नहीं लूंगा और अगर भगवान ने चाहा तो मैं खुद ही एक दिन इसको खरीद भी लूंगा शंकर भैया ये भगवान तुम्हारा हमेशा साथ देगा अब तू मजदूर बेचने बेचने का ख्याल छोड़ो सेठ फायदे में रहोगे देख बे आज जयपुर चलना है 3 दिन का फेरा है सेठ को अच्छी आमदनी हो जाएगी वेरी गुड बड़ी मुश्किल से लाइन बदली है वरना कंचनपुर आप तो जयपुर की हवा में करेंगे जयपुर की हवा में प्रचार कर अच्छा सर
जमुना घर में बजे दादा है? नहीं। तेरे सारा मजा ही करकरा हो गया। वो जब साकी ने कहा था तब मैं फिर क्या जम लगी वो जमुना तो है बस पूछ ले क्या जमुना है या ऐसा वैसा कुछ नहीं भावा यहाँ से क्या चाल है अबे पहरेदार भी तो बड़ा खतरनाक है ओए पहरेदार अखियां तो नहीं बंद कर देगा जब कभी यहाँ से गुजरेंगे अखियां से लिया करेंगे चल वो चाल फिर अच्छा भाई अपन चले बारिश होने वाली है बारिश आने वाली है या वो भाजी वाली अरे शर्म कर तीन दिन से मैं तुम लोगों के साथ हूँ घर तक नहीं गया फिर भी तुम मुझ पर शक करते हो हाँ है कि नहीं यार मैंने कई बार तुम्हें अपनी आंखों से देखा है छोड़ यार दिल्ली जो है कि आ गया अरे बकवास बंद कर मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा माँ यार पसंद भी आई तो भाजी वाली शादी करने का इरादा है क्या शादी की बात नहीं यार लड़की बहुत अच्छी है बेचारी इसलिए मैं उससे बातचीत कर लेता हूँ क्या बात है यार तुम्हें उससे प्यार नहीं है क्या अरे आहिस्ता बोल अगर भैया सुन लेगा तो मारे जूतों के मेरा सर तोड़ देगा और इंग्लैंड का प्रोग्राम कैंसिल कर देगा अच्छा भाई अपन चले बारिश होने वाली है बेला भला इतनी रात गए और इतनी बारिश में क्यों आई ये भाजी देने आई थी लगातार तीन दिन से आ रही हूँ जब आई ताला कहाँ चले गए थे तू माफ करना मेरी वजह से तुझे तकलीफ हुई ना आदर से तीन दिन से मैंने रोटी नहीं बनाई क्यों नहीं बनाई अरे यार दोस्तों ने खा रहा था भैया यानी है ना तुम मुझसे तो आकर कह जाते नाराज हो गए अगर मैं आकर कहता तो इतनी रात को बारिश में भीगता हुआ मेरे पास कौन आता अरे भैया आ गया इधर चलो इधर जा मेरे पापा कुछ नहीं यार रखो ये रखो ये रखो ये रखो इधर आ भैया तुम आ गए क्या कर रहा था तुम कितनी आवाजें दे रहा हूँ भैया मेरा दिल कह रहा था हाँ तुम जरूर आओगे तेरा दिल कहे और मैं ना आऊँ वो टेबल ले आई यहाँ देख क्या कहला टेबल लाना टेबल कितनी बार था तो क्या हो गया तुझे बड़ा जोर लगा है कपड़े छोड़ दिया भैया कपड़े लगा कितनी लगा रही है किताबें रखी हुई मेरी तमाम देखो ये ले भैया जयपुर की मिठाई है बहुत बढ़िया कलाकंद एक और ये जयपुर के जूते बहुत बढ़िया पहन के देख रहा है ये तो बहुत ही अच्छे भैया क्या हुआ कुछ नहीं काटती नहीं बिल्कुल अच्छा भैया ये जयपुरी डिजाइन का कोट तेरे लिए अच्छा तेरा पहन के दे नहीं भैया इसे मैं कल पहन लूंगा आज क्या जल्दी है तुम चल के अपने कपड़े बदल दो भैया चलो ना तुम अच्छा दलील एक बंडल और था कहाँ कहीं उधर तो नहीं गिर गया मैं देखता हूँ मैं भी देखता हूँ अरे भैया ये तेरे लिए मेरे लिए हाँ मैं साड़ी पहनूंगा नहीं नहीं तू नहीं पहनेगा हाँ तेरी बहू पहनेगी अरे मेरी तो अभी शादी नहीं हुई आज
शादी एक ना एक दिन तो ही टैक्स रखे। मैं शादी वादी नहीं करूंगा भैया, अब मुझे पता चल गया तुम भाभी के लिए लाए हो। भाभी के लिए ला के मुझे नहीं बताते भैया, मैं सब समझता ओए जीवन ओए, इसको चिली दिखाने की क्या जरूरत है? ओए दादा का माल तो असली है, असली काम कहता है। अरे दादा ये कोई काम का पखत नहीं है, तू थोड़े से पी ले। थोड़ी सी पी ले क्या? नहीं नहीं दादा, माल तुम्हारा है, दाम तो हमारे हैं, फिर डर किस बात का है? थोड़ी सी पी ले ना दादा। अरे चंदन दादा ये डर है कि हम कैसी पाके पुल ना हो जाए। ये बात है दादा, और ये है अपने माल का दाम। ये बात है। देखे और जीवन अब बने की बात दादा, थोड़ी सी और। अरे दादा तुम लोग बहुत नशे में हो गए। दादा तू तो कहता था कि बोतल तो क्या मटके के मटके चलाता हूँ, शोर सुनते से पहलू में दिल का, और जब चीरा तो एक कचरा है खून भी ना निकला दादा। और चंदन बहुत दरिया है ना बात मरदा वाली। देखो दादा, दादा ओ दादा हम चले जीवन। हाँ अब दादा में और मूर्ति में कोई फर्क नहीं रहा, अंदर चल। चल चल राजा। नहीं होता है कि शैतान की लड़की को पकड़ा के ले जा रहे हैं। मुझे छक लगा कोई गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। कोई नहीं पीछा करता, अपना वो भाई बंद होएगा। भाई बंद नहीं, तू बदलू का करते करती तेज करते। अच्छा हो तो सब देखी थी। Yeah!
तुम्हारे होटल का आएगा। भगवान तू मान 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 हिम्मत रख और तेरी पगड़ी कहाँ के पूछे पगड़ी शंकर मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे आज ही पता लगा कि ट्रक ड्राइवर में भी भले आदमी होते। और हाँ शंकर जिन हाथों ने आज मेरी इज्जत बचाई है मैं ये चाहता हूँ मैं अपने बेटे का हाथ उन्हीं हाथों में दे दूँ। जिंदाबाद दादा जिंदाबाद। क्या जोड़ी मिलाई है इसकी बात से हो जाए कौवा। ओए चुप है शंकर मैं आज तक कसम खाता हूँ जो चीज आदमी को गला बना देती है वो न पीऊंगा और न देखूं। बहुत अच्छी कसम खाई है तो शंकर अब अच्छी मुराद दिखवाकर बारात ले आना। हम ले आऊंगा दिल न जला। अरे
मैंने तुझे चाहा क्या ये भी है खता, सच बतला हो देख देख मिलो मैं अब भगना, दिल न जला दिल न जला। अरे मैंने तुझे चाहा क्या ये भी है खता, सच बतला आदत है मर्दों की पत्तियां बनाना, झूठ करते हैं प्यार लगा सोने यही न है जाना, यही रे यही है मेरा ठिकाना। आहारे 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 रखवाली ओए लाली ओए लाली। अरे जब भूल गया दिल की वो रखवाली ओए लाली। मान गए तुझको है तेरा ही जमाना, चलते जा यही है मिटो को न मिटाना, जैसे आई छमते चली मत जाना, यही रे यही है मेरा ठिकाना। आह तुम दिन बेली आह नाल बेली आह प्यार की पहेली आह नाल बेली आह नाल बेली प्यार का तराना। यही दीवारें थीं, यही दरवाजे थे, और अब मेरा घर नया नया मालूम। तो पहले शादी क्यों नहीं कर ली, अब तक कंवारी क्यों बैठे रहे? अगर मैं शादी कर लेता तो तू कंवारी रह जाती। हाय ना, तो फिर मुझसे कौन शादी करता? ओए ओए, कैसी फोली है, मैं तेरे लिए जयपुर से एक साड़ी भी लाया हूँ। शहर में भी लहंगा पहनेगी? नहीं नहीं, पर मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। नहीं आती? अच्छा मैं सिखाता हूँ। अच्छा। ये लिया ऐसे। नहीं बाबा,
बाहर जाओ। नहीं, मैं मुंह उधर कर लेता हूँ। नहीं, तुम बाहर जाओ। ओहो, लहंगे के ऊपर ही पहन ली तो तू चली है चली। अरे अरे, तेरा भाई आ जाएगा। अरे मेरा भाई बड़ा समझदार है, आवाज भी बगैर कभी नहीं आई। ओ भाभी, कर देता हूँ। समझदार है भाई तेरा, आवाज की बगैर कभी नहीं आता, कहीं फिर ना आ जाए। आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की तो बात है, आज भैया भाभी को लहंगे पर साड़ी बांधना सिखा रहा था। लहंगे पर साड़ी? हाँ, जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे देखकर दोनों शर्माए। भाभी पसंद आई थी? भाभी? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा? आज सवेरे मैं भी तुम्हारे घर आने वाली। मेरे घर? और क्यों? तुम्हारी भाभी को देख ली। अरे ना बाबा, तुम मेरे घर मत आना। जरूर आऊंगी, तुम्हारी भाभी को देखना है मुझे। अरे बेला, सुन तो सही। बेला, अरे बेला सुन, तुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैं तुझे यहाँ बता दूंगा भाभी कैसी है। तो बता दो। तुझसे अच्छी है तो मैं जरूर आऊंगी। अरे सुन बाबा, तू वहाँ मत आना वरना। मैं जरूर आऊंगी। अरे सुन बेला, एक बात तो सुन। अरे अरे बेला, नहीं चाहिए भाजी। बड़ी अच्छी भाजी है ये, बड़े बड़े लाल लाल टमाटर और ये नाजुक नाजुक भिंडिया, सोया तो रेशम के लटे हैं लटे, सिर्फ दो पैसे गड्डी। पर हमें नहीं चाहिए भाजी, ले लो ना, बड़ी अच्छी और ताजी भाजी है। ताजी ताजी भाजी मेरा देवर रोज लाता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे देवर को, हमारी ही दुकान से तो लाता है। तेरी दुकान से लाता है? पर तुम मुझे इतना घूर घूर कैसे देख रही हो? देख रही हूँ, जितनी सुंदर हो तुम्हें बताता था उतनी सुंदर हो तुम। कौन बताता था? एक बूढ़ा आया करता है हमारी दुकान पर, वो कहता था। कौन है वो बुढ़ा? हाय राम, उसने मुझे कहाँ देख लिया। हर रोज आया करता है हमारी दुकान पर, घूर घूर के देखा करता है लड़कियों को। हाय राम, बूढ़े भी लड़कियों को देखते हैं? बड़ा बदमाश है बुढ़ा। ना ना, वैसे तो वो बहुत शरीफ है। लो, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे बाजी लाए हैं। नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं लेने की। क्यों, पैसे क्यों नहीं लेने की? तुम्हें देखने आई थी, ये भाजी मुझे दिखाई। अच्छा अच्छा, तो मैं चली। नमस्ते नमस्ते। देख रही हूँ, जितनी सुंदर वो तुम्हें बताना था उतनी सुंदर तुम हो। भैया,
काम के बाद कहाँ में रहता है? अल्लाह यार तुम्हारे से बहुत बड़ा काम कर रहा है। बड़ा काम कर रहा है। हाँ चिकटी बेच रहा है, चिकटी क्यों जेल जाने का रहा है क्या? तुम समझे नहीं, आज का यूनियन का मौसम पैदा हुआ है। यूनियन? हाँ मिल मजदूरों की यूनियन, मिल मालिकों की यूनियन, टैक्सी ड्राइवरों की यूनियन, बस अपने ये सरदार की यूनियन, बंगी की यूनियन, झाड़ू वालों की यूनियन। ठीक है मैं समझता हूँ, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्लीनर की यूनियन मिला दी हम लोगों ने। उसके लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, रात को 8:00-9:00 और 3 दिन आपको लेना पड़ेगी टिकट। मैं लू? हाँ। अरे करे कोई भरे कोई। भैया क्या हुआ, सुबह दूर टिकट बेची हूँ मैंने। नाम मिसेस शंकर? अरे मिसेस विशेष कुछ नहीं, श्री शंकर लाल और श्रीमती जमा। हाँ लो सुन लो ये मेरा अपताना, दिल तक है दिल का अपताना, हाय लो सुन लो ये मेरा अपताना, दिल तक है दिल का अपताना, लो सुन लो ये मेरा अपताना, दिल तक है दिल का अपताना, इस दाह से है आना जाना, इस दाह से उसका मिल जाना, लो सुन लो ये मेरा अपताना, दिल तक है दिल का अपताना, जिस दाह से है आना जाना, इस दाह से उसका मिल जाना, लो सुन लो ये मेरा अपताना, दिल तक है दिल का अपताना। वो मत नजर देते ही हसी, मैं देने चला दिल नजराना, याद आया के मोहब्बत मना है, 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 मना है 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 मना है, याद आया के मोहब्बत मना है, याद आया के मोहब्बत मना है, याद आया के मोहब्बत। क्या चीज है चाहत क्या कहने, हो ये मोहब्बत क्या कहने, मिल जाए ये दौलत क्या कहने, खुल जाती है किस्मत क्या कहने, क्या चीज है चाहत क्या कहने, हो ये मोहब्बत क्या कहने, मिल जाए ये दौलत क्या कहने, जाती है किस्मत क्या कहने। हम बढ़ने लगे थे क्या कहने, हम बनने लगे थे क्या कहने, फड़की की तबीयत क्या कहने, मगर इतने में याद आया के मोहब्बत मना है, 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 याद आया के मोहब्बत। अरे ना बदन लो ये मेरा अपताना, दिल तत्व है दिल अपताना, लो सुन लो ये मेरा अपताना, दिल तत्व है दिल का अपताना। दाल में काला मालूम होता है? दाल में काला तो होते ही रहता है। अच्छा जी। लेकिन आजकल भाजी में काला होने लगा है। हाँ सब जानता है भगवान, सब जानता है। क्या जानता है भगवान? बोले बोले। यही
के भाजी की दुकान, बेचने वाले खूबसूरत जवान, बेला नाम और मिलने का वक्त शाम। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भैया से मत कहना। अरे अरे अरे, उससे क्यों डरता है? वो तेरा थोड़ी सगा भाई है, वो तो सौतेला है। मौज उड़ा मौज उड़ा, वो तो पागल है बेचारा, जो अपने खून पसीने कमाए तेरे पढ़ाई पे लगा रहा है, तुझे किसी लायक बनाने के सपने देख रहा है, किसी ऊंचे खानदान की लड़की शादी करना चाहता है, और तू तू है कि एक भाजी वाले की वजह चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। नहीं भगवान, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं भी जाकर भैया से कहूंगा कि इसकी पढ़ाई लिखाई बंद, बिल्कुल बंद, और एक भाजी की दुकान खुलवा दो, ताकि सब टोकरी रखेगा और गली में फिरेगा, भाजी ले लो भाजी, आलू दो आने से, भिंडी पिलाने से। भगवान, तेरी कसम, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अच्छी लगती थी, इसलिए कभी कभी उससे दो बातें करती। क्यों 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 क्यों? जिस घर में बारात नहीं जाने वाली है, उस घर में बात क्यों नहीं जाए? अच्छी बात है बाबा, कान पे हाथ लगा लिया, आइंदा अब उससे बात भी नहीं करूंगा। थैंक यू शाबाश। अगर तुझे शादी की इतनी जल्दी है तो लक्ष्मी की बच्ची शादी कर ले, मुझे कई बार कह चुकी है, बड़ी मोटी मुर्गी है, पेट भर के दहेज मिलेगा और ब्लैक शेर भी हो जाएंगे। मैंने उसका फोटो देखा है लड़की का, हाँ इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि जवाब नहीं उसका। देख चमना, ये है मेरी भतीजी, देखो शंकर, इसके नाक नक्शे बड़े सुंदर हैं, सारे शहर में चिराग लेके ढूंढो तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, फिर सबसे बड़ी बात है कि दसवां में पढ़ रही है। हाँ लड़की बहुत अच्छी। हाँ बात यह है कि अभी दिलीप कुमार की शादी करने का भी हमारा इरादा नहीं। हायरन, तू क्या बुढ़ापे में इसकी शादी करेगा? लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है। तो ठीक है, मगर अभी दिलीप को बहुत पढ़ना लिखना है, अगर शादी होगी तो पढ़ना लिखना बंद हो जाए। कैसी लड़की की बात करता है? तेरी शादी हुई तो सोचा उन्हें ट्रक चलाना बंद कर दिया था, किसान खेती करना बंद कर देते हैं, दुकानदार दुकान बंद कर देते हैं। भाभी मैं तो कहना ये है कि शादी के बाद इंसान और जोर से काम करने लगता है। हाँ। हाथी को बिल्ली और बिल्ली को चूहा समझ लगता है, यानी कि कब कब कमाए कमाए कमाए। धमाने की भी जरूरत नहीं है, कितना दहेज लाएगी कि जिंदगी भर बैठे खाना। हाँ इतने पैसे वाला, मैं तो कहूँ जमुना भला ये क्या पढ़ाएंगे दलीप को, मेरा भाई चाहे तो उसे विलायत दे सकता है पढ़ने के लिए। तो वो तो ठीक है लक्ष्मी बहन, बात तो सुन। हाँ वो तो ठीक है, मगर हमें नहीं तो अच्छा, मगर कुछ बात पक्की, चल लो बस दीदी, मैं दिलीप को दिखा के। हाँ हाँ जाओ जाओ। ब्लैक जाएगा भाभी को अगर भेजे तो मैं आज चला जाऊं? तो ले इसे, पसंद कर। पसंद आई? मैं क्या बताऊं भाभी, मैं समझ गई, मुझे पहले ही पता था मेरी पसंद को तो कभी नहीं चाल सकता। मैं तो कहूँ जमुना भला ये क्या पढ़ाएंगे दलित को, मेरा भाई चाहे तो उसे विलायत दे सकता है पढ़ने के लिए। बड़ी देर कर दी तुमने। बेला मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात है? मोहल्ले में हम दोनों का बहुत चर्चा हो रहा है। मैं भी तो यही कहने आया हूँ, अब हम दोनों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हाँ शादी से पहले इस तरह मिलना ठीक नहीं, हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। शादी? शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने के लिए विलायत जाना है और मुझे किसी काबिल होना है। शादी पढ़ने को रोक थोड़ी देगी। बेला तू कुछ नहीं समझती। मैं सब समझती हूँ दिलीप, तुम मुझे टालना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेला, लेकिन इसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने तो शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे, मेरे साथ प्यार का नाटक खेल रहे थे, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तेरा मेरा कोई मेल नहीं, मैं एक भाजी वाली से शादी नहीं कर सकता। भाजी वाली?
भाजी वाले से मोहब्बत कर सकते हो, भाजी वाले का हाथ पकड़ के घूम सकते हो, उसके साथ प्यार के गीत गा सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं, अगर मेरा मामा भाजी वाला है तो तुम्हारा भाई भी ड्रावर है, तुम दूसरे राजा महाराज हो। मैं कुछ भी हूँ लेकिन तुझसे शादी नहीं करूँगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, हटा। चक्कू भैया, बेला को दिलीप के साथ घूमते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, सारे मोहल्ले में बदनामी हो रही है। अपने बाप का मुंह काला कर दिया कनक, जरा आ जाए हाथ पांव तोड़ दूंगा उसे शर्म के। नहीं नहीं भैया, हाथ पांव तोड़ने से क्या होगा, जरा तो अकल से काम लो। शंकर भला आदमी है, उससे कहकर दिलीप से बेला की शादी करवा दो, मेरी समझ में तो इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो भैया अब मैं चलता हूँ। बैठूंगा बाद में, पहले ये बताओ किसी भोली भाई लड़की किसी के साथ खेलना सिर्फों का काम है, भले मानसों के डाले हैं। क्या बात है मामा, कुछ समझ में नहीं आया। किसी से पूछो ये बताएगी। तुम्हारा छोटा भाई दलीप इसे साथ लेकर घूमता फिरता था, सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। हमारा दिलीप ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब मैं झूठा दाम लगा रहा हूँ, खुद अपनी भांजी को बदनाम कर रहा हूँ। बोलो जग्गू मामा, अगर दिलीप ने ऐसा किया है तो तुम्हें ही बदनाम नहीं किया, मुझे भी बदनाम किया। उसको आ लेने दो, मैं उससे पूछता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं उसको खूब मरम्मत करूँ। मरम्मत करने या डालने डबने से इसकी बदनामी दूर नहीं होगी शंकर, अब तो दिलीप की शादी इसी से करनी होगी। पर दिलीप की शादी तो लक्ष्मी बहन की भतीजी से तय हो चुकी है। दिलीप, दिलीप या जग्गू मामा क्या कह रहे हैं, तो इस लड़की को जानता है जिसके साथ घूमने फिरने जाया करता था? बोल, बोलता क्या नहीं? भैया ये सब झूठ है। ये सब झूठ है तो अपनी भैया की कसम खाकर कह दो कि ये सब झूठ है। और दलीप खामोश में मेरी कसम खाके कह देंगे लड़की झूठ कह रही है? शर्म, मुझे शर्म आनी चाहिए, तूने मेरे मुंह पर कालक पोत दी, अब तुझे इसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। भैया मैं इससे शादी नहीं करूंगा। खामोश, कैसे नहीं करेगा शादी, तुझे इसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। बेवकूफ, तो दुनिया में सभी जगह मैं चाहता कि शंकर का भाई बदमाश है, गुंडा है, नालायक, मस्त का बच्चा जिस लड़की का हाथ पकड़ता है सारी उम्र उसका साथ देता है। रघु मामा तुम चिंता ना करो, दलीप की शादी इसी लड़की से। कुछ रहा शंकर भैया, तुमने मेरी इज्जत बचा ली।
शादी करने की जिद पूरी हो गई ना, बन गई ना मेरी दुल्हन, अब तो खुश हो? तुम अभी तक नाराज हो, अभी तो गुस्सा नहीं गया? नहीं, प्यार बढ़ गया, बहुत प्यार बढ़ गया। तुम जैसी दुल्हन पाकर नसीब खुल गया मेरा। कैसी बातें करते हो, आज की रात खुशी की रात है, सुहाग रात है। सुहाग रात है तो खुशियां मनाओ, मेरी हार पर मुस्कुराओ, अपनी जीत के गीत गाओ, भैया से कह के और नचवाओ मुझे। कहाँ जा रहे हो? देख बेटा, जो तू चाहती थी वो हो गया, अब मैं जो चाहूंगा वो होगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बेला, मैं नहीं चाहता कि झगड़ा हो और भैया के दिल को ठेस पहुंचे। हट जाओ। सब ठीक हो जाएगा। पता है, रात दिलीप अपने कमरे में नहीं सोया। पागल है, उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है ना, थोड़े दिन अकड़ा रहेगा फिर अपने आप नरम पड़ जाएगा। चलो
वे? तू तो दोनों में बड़ी है ना, तू ही समझा बुझा के ठीक कर दे दोनों को, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। पहले तू समझा फिर मैं समझाऊंगी। चल ली, अच्छा मैं ही समझा दे। दलीप, ओए दलीप, देख मैं काम पर जा रहा हूँ, तीन चार दिन के बाद लौटूंगा, घर का ख्याल रखना और खूब दिल लगाकर पढ़ना, समझे? और सुन, देख बच्चे, गुजरी हुई बातों को भूल जा, बेला बहुत अच्छी लड़की है, हंसते खेलते रहा करते हैं, हैं? ओ, भगवान आ गया, मैं चलता हूँ। बेला, थाली लगा दी है, तू जरा उसको लाज पैसे खिला देना, मैं उसको अभी भेजती हूँ। अच्छा दलीप, चल खाना खा ले। तुम चलो भाभी, मैं आता हूँ। जरा पानी देना। भाभी कहाँ है? वो तो पड़ोस में गई है। तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? मैं जो हूँ मैं खिलाऊंगी। मैं तेरे आँख का खाना नहीं खाऊंगी। खाने पर से नहीं मोटा करती, भगवान के लिए खाना खा लू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हट जा मेरे सामने से, मैं तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहता। मेरा मुंह न देखो, लेकिन खाना तो खा लो। मैंने कह दिया ना, मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाती मेरे हाथ का खाना? मुझे जहर मिला दूंगी। मिला तो दिया जहर मेरी जिंदगी में, कर तो दिया मुझे बर्बाद। हट जा मेरे सामने। जब तक खाना नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। मुझे जान से मार दो, जब तक खाना नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, नहीं छोड़ मुझे। औरत पे हाथ रख रही, शर्म नहीं आती? भैया तुम मेरे मामले में दखल मत दो। हैं? क्या कहा? आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई, तुमने इससे मेरी शादी नहीं बल्कि बर्बादी की, मेरे अरमानों को खाक में मिला दिया, मेरे सुहाने सपने तोड़ दिए। किसी लड़की को धोखा देना, उसे दुनिया भर में करना, यही तो तेरे सुहाने सपने? उल्लू की कमल राजे से हाथ रखा तो उठाऊंगा, ये मेरी औरत है। वो तेरी औरत है तो उसे जान से मार डालेगा? हाँ मार डालूंगा। लच्चा कहीं का भैया, भैया का बच्चा बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने जबान चलाता है? फिर ऐसी हरकत की तो हाथ तोड़ डालूंगा, चल दफा हो यहाँ। कहाँ मर गई थी, कहाँ चली गई थी, यहाँ ये इसकी जान ले रहा था। मैं क्या भूत सवार हो गया बदमाश के साथ? दलीप, ओ दलीप,
कहीं चला गया। कहाँ चला गया? कोई बड़ा तंग किया है छोकरे। अच्छा मैं देख के आता हूँ। अरे रोते नहीं बेला, उसके भैया उसको ढूंढने गए हैं, उसे लेकर आते ही होंगे। दलित मिला? मिल जाता तो अपने साथ ना लेकर आता उसे। कमबख्त जाने कहाँ चला गया है, ढूंढते ढूंढते मेरे पांव टूट गए। तू चिंता ना कर बेला, अगर मर्द का बच्चा है तो अपने आप लौट कर आएगा तेरे पास। महाराज वो देखो शंकर जा रहा। शंकर अबे छोड़ शंकर भंकर को, हम तो बड़ा भला आदमी समझते थे। अरे काहे का भला जियो ने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पहले तो जमुना से शादी कर ली हमारे दिल पे तक कुचला के, जब उससे दिल भर गया तो अपने छोटे भाई दिलीप की शादी बेला से जबरदस्ती करवा दी। और फिर देख दिलीप को घर से मार पीट के निकाल दिया। सौतेला भाई था ना? ये जुलम है जुलम। अब तो उसके मजरे है एक के बदले दो दो। और ऐश कर रहा है ऐसे, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे कौन पूछेगा? मैं पूछूं तो पूछ ले। अरे दलीप का भी तो कोई पता नहीं चला, एक महीना हो गया है, हम तो सब ढूंढते ढूंढते भी थक गए, कुछ पता नहीं चलता। देखा, अगर मेरी भतीजी के साथ उसकी शादी हो गई होती तो लड़का कभी भी इस तरह घर से नहीं भागता। लेकिन शंकर के मन में तो बेला बसी थी, जबरदस्ती शादी कर दी बेचारे की। ये तेरे लिए, ये बेला के लिए। देखा सासू जी कितना ख्याल रखता है शंकर बेला का। है रखना भी चाहिए, आखिर बेचारी का है भी कौन। ला देखो तेरी साड़ी। अच्छा। बेला की साड़ी दिखा। अच्छी है तो जरा देखो, ये भी ठीक है, लेकिन सूट तो इसका अच्छा है। नहीं नहीं तुम्हें एक सी तो है। नहीं एक सी तो नहीं है, किनारी एक सी है, पर कपड़े में बड़ा फर्क है। क्यों बहू है? अच्छा ले रख दे, चल बहू चले, बड़ी देर हो रही है। मैं तो कहूँ बहना कलयुग आ गया कलयुग। ये भोला भोला शंकर है ना, यमुना के लिए सूती साड़ी ले आया और बेला के लिए रेशमी। सासू जी मुझे तो कुछ डालने काला लगता है। और नहीं तो क्या, इसीलिए तो छोटे भाई को मार पीट कर बाहर निकाल दिया और मेरी भतीजी के साथ ब्याह नहीं किया। कत्ता कैसे, उसके मन में तो बेला बसी थी। हमें क्या, देख लेना बहना उस निगोड़े को कीड़े पड़ेंगे कीड़े, समझी। चल दे। ओ यार भगवान आ यार, आ अच्छा हो गया तू आ गया, से ढूंढते फिर रहे हैं बहुत दिनों से। क्यों अब भी कोई हसरत बाकी है? यार हसरत तो एक ही बाकी है, तेरी शादी देखने। अच्छा तो कोई नहीं मिला? अरे यार ये बात नहीं, इसकी खाली है। काली है गोरी गोरी तो बोलो, आगे बोलो आगे बोलो, तुम बोलते। और यार बोलना क्या था, मैंने चमेली के बाप को शंकर के पास भेजा था तेरी शादी के वास्ते, उसने एकदम ना कर दी। ना कर दी? उधर की भैया शादी मुझे करनी, उधर करनी है। ये बात है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चल मेरे साथ चकमंगनी पकड़ लिया। तुम दोनों साड़ू साड़ू भाई। मगर भाइयों लड़की तो खूबसूरत है ना। गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। जब तो खुशबू आ रही है, मैं अभी जाकर छुट्टी लेके आता हूँ शंकर से। अब चाय तो पी जाओ। चाय भाइयों अब चार दुल्हन के हाथ की पीऊंगा। ये बात है, जल्दी छुट्टी लेके आजा। अभी आता हूँ, आजा। चल मरना नहीं। क्यों क्या हुआ?
मुझे छुट्टी दो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? शादी करने। और तू क्यों मेरे साथ मस्करी करता है? मस्करी नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ। अरे और किसी की चाहत आई जो तेरे साथ शादी करेगा? मैं दिखाने जा रहा हूँ, अगर भगवान ने चाह शादी करके लौटूंगा। हाँ बैठ, कुछ नहीं रखा है शादी में, क्यों अपने आप को मुसीबत में डालता है? अच्छा मैं शादी करूंगा तो मुसीबत में जाऊंगा। तुमने शादी की, अपने भाई की शादी करवा दी, वो मुसीबत नहीं? ओए ओए भगवान, और तेरे को मैं समझा रहा हूँ, कोई फंसा रहा है तुझको? भगवान सब कुछ जानता है, कौन किसको फंसा रहा है। राम राम। ओए ओ बात तो सुन, ओ भगवान, ओ बेवकूफ, वो सच में चलेंगे। जमुना, ओ जमुना, अच्छा हुआ आ गया, परसों से बेला की तबीयत खराब है और बुखार भी है। बुखार है? बेला? बुखार है, तेरा हाथ दिखा दो। बुखार तो है, चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इसे वहां ले जाने की क्या जरूरत है, यही दवा ले? नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जाने कैसा बुखार है। चल जाओ, आ नहीं अस्पताल बंद हो जाएगा। शाबाश। जमुना इसके लिए दूध तैयार रखना, हम अभी आते हैं। लो लो मेरा ये अफसाना, दिल सस्पा दिल का अफसाना, ये मस्त नजर जैसे ही हसी मैं देने चला दिल नजराना, मगर याद आया के मोहब्बत नहीं मना, नहीं अब नहीं मना, अब तो हाँ, अब तो मैं पत्नी वर्ता हो गया। इधर देख, तेरे सामने तेरा भगवान खड़ा हुआ है। अरे अब तो घूंघट खोल, हाय हाय, हाथ लगाने से ऐसी सिमटी जा रही है जैसे चूमे की बेल। अरे मेरे शर्म की पोटली अब तो खुल गया है। नहीं कोई बात नहीं, हम अपने चौधरी के चांद को खुद देख लेते हैं। मुझे देख के बेहोश हो गए क्या? समझी मेरी सुंदरता देखकर तुम्हारी आंखें तो आ गई क्या? नहीं। तो फिर? नहीं, अरे मरवा दिया उस साड़ू के बच्चे ने, ने कहा कि तू गुलाब का फूल है। हाँ। तो गोभी का फूल निकली। आओ आओ आ जा बैठ,
सुनो जमुना, कैसी तबीयत है बेला की? कल की तरह। अरे जिसकी देख रेख करने वाला शंकर जैसा जेठो वो भला क्यों ना ठीक होगी? क्यों रे कमला बीमार? ये बीमारी बहाना था और मैं तो क्या? शंकर के साथ ट्रक में बैठी हुई हंसती जा रही थी। हैरान? हाँ हैरान क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा है शंकर के साथ ऐसे खटकर बैठी हुई। बुरा नहीं मानना जमुना, आजकल तेरी जगह ले रही है। नहीं लक्ष्मी, मेरा मर्द ऐसा नहीं। अरे जमुना तू है भोली, अगर अपना भला चाहती है तो जब तक दलीप ना आ जाए बेला को उसके मामा के यहाँ भिजवा दे। अरे ये कौन होती भिजवाने वाली, वो जाने थोड़े ही देगा। जाने क्यों नहीं देगा, मैं चाहूँ तो उसको आज भिजवा दूँ। ये भी ठीक है, आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए, इसी में तेरी भलाई है जमुना। हाँ मेरी एक बात मानेगा? कब नहीं मानी तेरी बात है? बोल क्या बात है? जब तक दिलीप ना आए बेला को उसके मायके भेज दो। क्यों? उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, ये उसका घर है। तो मेरा भी घर है। कौन कहता है तेरा घर नहीं है? बस मैं कुछ नहीं जानती, इसी में हमारी भलाई है। और मैं भलाई बुराई सब जानता हूँ। चल ली कहीं, चल बस कर, जब अति बुझारे सो जा, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। जान हो जा। जा रही हूँ जी। क्यों, किसने कहा जाने को? तूने ही कहा होगा। कहा था? कहा नहीं, पर अब कह रही हूँ। क्या कह रही है? मायके भेजने को। मैं भेजू या ना भेजू, तू कौन होती भेजने वाली? हैरान, मैं कोई नहीं होती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं इसे नहीं जाने दूंगा। मेरा नाम भी जमुना है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तू कौन होती है भेजने वाली या रखने वाली? मैं जिसे चाहूँ भेजूँ, जिसे चाहूँ रखूँ, ये मेरा घर है। तो ये मेरा भी घर है, इस घर पे मेरा भी हक है। और इसका हक नहीं है, इसका घर नहीं है, ये यहीं रहेगी। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। अच्छी बात है, तू चली जाए यहाँ से, पर बेला यहीं रहेगी। लो चलिए, रखो इसे अपनी रानी बनाकर। राम शादी तेरी जबान थोड़ी, तेरी जबान फेंक लू। मेरी जबान तो खेलती होगी, लोगों की जबान कैसे खेलोगी, मोहल्ले वालों की जबान कैसे खेलोगी। मैं तो जा रही हूँ, बुरा उनके साथ ट्रक ड्राइवर होते ही ऐसे है। अगर मुझे कहीं मिल गया मैं उसके ड्राइवर निकाल दूंगा। बेटी तू बिल्कुल फिक्र न कर। हम्म,
मैं तो ठीक हूँ, तो अपनी सुना क्या कर रहा है? मैं यही तो काम कर रहा हूँ। झूला बीड़ी छिड़ी क्या भाई? पिल्ले नहीं, मैं यार दिलीप, तूने घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। हाँ यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं पछता रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, कल घर जाके मैं भैया से माफी मांगूंगा। अब घर जाके क्या फायदा, वहाँ की तो हवा बदल गई। भैया तो ठीक है ना, इससे पूछे ले। अरे भैया का क्या पूछना, वो तो मजे कर रहा है मजे। अरे हंसता क्या है, पहले तू चलाया घर से, बाद में उसने भाभी को निकाल दिया। भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया, पर क्यों? एक म्यान में तो तलवारें नहीं रहती। क्या मतलब? अरे मतलब ये क्या करो बेला बदमाश, अगर मेरे भैया के लिए मुझे एक लफ्ज भी निकाला तो मैं छोड़ मेरा गला के दबा देगा।
जाके अपनी भाभी से पूछ जो मैं कहीं बैठे अपनी किस्मत रो रही है, मेरा गला दबा देगा। बड़ा आया भैया का हिमायती। कहाँ है तेरा सौतेला भाई जिसे तू हमेशा सगा भाई समझता रहा, तेरा ऐसा चैन कर रहा है। और बेचारी जमना ये देख, ये बैठ के अभी किस्मत रो रही है। भैया इतना नीचे जो मैं नहीं जानता था। दलित, ओ दलित, तुम तो यही चाहते होगे कि मैं कभी ना आऊं। अरे तू कैसी बात कह रहा है, तेरे लिए तो मेरी जान तड़प रही थी, मेरा दिल रो रहा था। दिल रो रहा था या खुशियां मना रहा था? सोचा होगा कि भाभी चली गई और दिलीप मर गया, लेकिन दिलीप अभी तक जिंदा है। भगवान तुझे हमेशा जिंदा रखे, तुझे मेरी उम्र भी दे दे। मैंने तो हमेशा तेरी भलाई चाहती। मैं भी यही सोचा करता था कि तुम मेरी भलाई चाहते हो, मुझे अपने से ज्यादा समझते हो, अपना सौतेला भाई नहीं सगा भाई समझते हो। लेकिन आज मालूम हुआ तेले भाई तो क्या तुम मेरे दुश्मन हो। दिलीप तुझे क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कभी भाई भी भाई का दुश्मन है? भाई जैसे पवित्र नाम को अपने मुंह से निकालकर गंदा ना करो। तुम वो शैतान भाई हो जिसने अपने छोटे भाई की औरत को अपने घर में डाल लिया। ओए दिलीप, ओए तू भी यही कह रहा है? अरे पगले, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला, बेला को अपनी बेटी समझा, आप बेटी का नाता जोड़कर अपने ऐप पर पर्दा डालना चाहते हो, अपने पाप छुपाना चाहते हो? अंधे बदमाश, मुझ पे शक करता है? कमीने बदमाश, तेरी ये हिम्मत? मार, मार कुल्हाड़ी मार। सौतेला लफ्ज सदा से बदनाम है, जो भी करो बदनाम ही रहे। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्यों दिलीप, मैंने झूठ नहीं कहा था? अब तू देखे आया अपनी आंखों से अपने बड़े भाई की सराफत। उसे मेरा भाई नहीं दुश्मन कहो। अगर मेरा भाई इस तरह करता तो मैं उसकी गर्दन काट देता, गर्दन। और मैं भी उसे जान से मार दूंगा। दिलीप, अगर हमारी मदद की जरूरत है हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। अरे ऐसे नीच आदमी को तो ठिकाने लगा देना चाहिए। जीवन ठीक कहता है दिलीप, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। सुना है कल यहाँ पत्थर लेने आ रहा है, निपट लो उससे, कल बच कर ना जाने पाए। दिलीप, बस शंकर आ गया। हाँ, आ चल के वहां इंतजार करेंगे, देखते हैं आज कैसे बच के जाता है। जैसे ही ट्रक यहाँ से गुजरेगी वहां तो पत्थर उठा देंगे। शंकर को ट्रक में से बाहर निकाल के वही जान से मार देगा। ठीक है, डट के जरा।
किनारी पे। वो कुछ दूसरा लगता निकल गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना वो अब तक आ जाता। और फिर कोई बात नहीं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल सही। तू दिलीप फिक्र ना कर। हाँ अच्छा हम चले भाई। हाँ भाई क्यों चल जवान। मुझे रोक रहे जग्गू मामा, दिलीप वहां जख्मी पड़ा और मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। छोड़ मुझे शंकर। शंकर भैया अपने पैर का तो ख्याल रखो। अन्न में गया मेरा पैर का ख्याल करो, अपने जिगर के टुकड़े का। मेरे दिलीप को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम्हें मना किया था लेकिन तुम किसी बात मानते नहीं। चलो मैं पैसा करता हूँ। Oh,
गीता, ये क्या कर लिया तुमने? तुम अभी तक ढूंढा? खबरदार जो मेरे पास आए। भैया, मैं तुझसे मिलने आया, तेरी सेवा करने आया। मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। दिलीप, डॉक्टर साहब, इस बदमाश को बाहर निकाल दो। भगवान ने मेरी आंखें इसलिए बंद कर दी ताकि मैं इसकी सूरत न देख सकूं। डॉक्टर साहब, मेरे कानों को बहरा कर दो ताकि मैं इसकी आवाज भी न सुन सकूं। डॉक्टर साहब, ये बच्चा लन है, आवारा है, बदमाश है, इसे बाहर निकाल दो। डॉक्टर साहब, इसे फौरन बाहर निकाल दो। डॉक्टर साहब, इसे बाहर निकाल दो। दिलीप, अब तुम आराम करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। आइए नर्स। लेट जा नर्स। डॉक्टर साहब, हजूर, किसी न किसी तरह मेरे भाई की आंखें ठीक कर दीजिए। उसकी आंखें मेरी आंखें, अगर वो अंधा हो गया तो मेरी दुनिया ठीक हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर खर्चा ज्यादा होगा। मेरा ख्याल है कम से कम 2-2.5 हजार। आप उसकी चिंता न कीजिए डॉक्टर साहब, मैं खुद को बेच डालूंगा। आप किसी न किसी तरह से ठीक कर दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, पूरी कोशिश करूंगा। एक और बात है डॉक्टर साहब, दिलीप मुझसे नाराज है, उसको कहीं ये पता नहीं चले कि उसका इलाज मैं करवा रहा हूं। नहीं, उसको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। सेठ जी, मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। बात अच्छी है, तो उसके पास कैसे रह सकती है? मैं उनके पास लेला बनकर नहीं रहा डॉक्टर साहब, मुझे उनकी सेवा करने का मौका दो। मुझे ये ना कहना कि मैं उनकी औरत नौकरी के देना, नर्स के देना। पर बेला, वो तेरी आवाज सुनकर तुझे पहचान लेगा। नहीं पहचानेंगे डॉक्टर साहब। अगर आप रहना चाहती हो तो शौक से, मुझे कोई इतराज नहीं। सेठ, ये दलील की आंखों का नहीं, मेरी अपनी आंखों का सवाल है। मुझे 2,500 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। खुद भूखा रहूंगा पर तुम्हारा कर्जा मैं जरूर चुका दूंगा। देख भाई शंकर, मैंने पहले ही बोला ना, मैं कर्ज दे सकता हूँ ना दिला सकता हूँ। रुपया लेने का एक ही सीधा रास्ता है, ट्रक में बेच दो। ट्रक में कैसे बेच सकता हूँ सेठ, वो मेरी रोटी है, मेरी कमाई है। कमाई ने देखो या भाई ने देखो, थारी मर्जी है। ये रखा रुपया, ये रखा कागज, प्रस्तुत कर दो, रुपया उठा लो। अच्छा बाबा, उठाओ तुम मेरी मजबूरी का फायदा। अपना वक्त जो खराब है, तकदीर जो खोटी है। अपने हिस्से के 2,500 इतना डाले थे ट्रक में, वो ही तरने दे रहा हूं। गिन लो, पूरे 2,500 है। अपना दिल मजदूर का दिल है, तेरे दिल जैसा छोटा नहीं है। जय गोपाल जी की शंकर। छड़ गया, औरत चली गई, एक अच्छा साथी छूट गया, और आज तुमसे भी नाता टूट गया। कौन तुम? दुष्टा, चली गए यहाँ से, निकल गए यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल गए यहाँ से। दुष्टा? आप किसे दुष्टा कह रहे हैं? किससे जाने के लिए कह रहे हैं? मैं तुझसे कह रहा हूँ, एक कमीनी भाजी वाली से कह रहा हूँ, बेला से कह रहा हूँ, तू चली जा यहाँ से। सिस्टर मेरी, ये मरी भाजी वाली बेला किसे कह रहा है? मिस्टर दिलीप, ये हमारे हॉस्पिटल की नर्स है कामिनी। आई एम वेरी सॉरी कामिनी जी, आपकी आवाज उस दुष्टा की आवाज से बिल्कुल मिलती है।
मुझे उसकी आवाज से भी नफरत है। बहुत खूब, उसकी आवाज से नफरत है तो मेरी आवाज से भी नफरत है, मुझसे भी नफरत है। जी नहीं, आपसे नफरत नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मरीज को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लो दूध पी लो। जी जमना, ओ जमना। हाँ बापू। जमना तू फिर रो रही है, लाख बार तुझसे कह दिया उस कमीने को भूल जा, ना तू उसे भूलती है और ना बदमाश तुझे लेने आता है, मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता। चल तू मेरे साथ चल, मैं भी डालकर देखता हूँ कि वो बदमाश तेरे होते हुए बेला को अपने पास कैसे रखता है। मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, सीधे उंगली कभी घी नहीं निकला। चल तू चल मेरे साथ, तू मेरे साथ तो चल। बोल दे दादा, आओ जमना बैठो। आराम किया जा रहा है, ऐश हो रहे हैं, गुल छर्रे उड़ाए जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बलदेव दादा? बलदेव दादा तो दादागिरी, उसको रातों नींद नहीं आती और तुम दिन को सोते, दिन में रातें मनाई जाती। बलदेव दादा, बलदेव दादा का बच्चा, एक थप्पड़ में सौ यहां से निकाल दूंगा। बैठ जमना, ये तेरा घर है, बेला का नहीं। डरे मत, बैठ जा। यहां से जो तेरा उठाएगा मैं उसे दुनिया उठा दूंगा। निकाल इसे बाहर, देखू कैसे निकालता है। मैंने इसे नहीं निकाला बलदेव दादा, ये खुद चली गई थी। गैरत वाले थी चली गई, तू तो दोनों को साथ साथ रखना चाहता था। अब बताए घर में कौन रहेगा, बेला या जमना? बोलता क्यों नहीं, अबे मुंह क्यों बंद है? देख ले जमना ये कितना बेशरम है, मैं बकबक कर रहा हूँ और ये चुप है, मैं खड़ा हूँ और ये लेटा है। अबे तो बोलेगा मैं तेरी हड्डी पसली बराबर करूँ। जमना तो हट जा, मैं इसके जान ले लूंगा। बोल बोल, ये क्या कर रहे हो? खबरदार, उसके हाथ उठाया तो बेशर्म बेहया, इसका मुंह तो बंद है अब तेरा मुंह खुल रहा है, अपने जवाई की तरफदारी करना है। अरे बेवकूफ, ये जवाई मेरा नहीं, तेरा है। तेरा मेरा जवाई तो ढोल बाजे बजा करता, लेकिन तेरा मुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, बजाय की सेवा करने के गाली दे रहा है। तेरी बेला जो उसकी सेवा करने को, खबरदार ऐसी बात मुझसे निकाली। बेला अपने पति के पास है, वो अपने पति की सेवा कर रही है और ये अपने बाप को लेकर इसे पटवाने आई है। मार दे इसको, निकाल दे इसकी जान। क्या हुआ तेरे पैर को? अब रोती है जब सारा घर तबाह हो गया, शंकर लंगड़ा हो गया, दिलीप अंधा हो गया। दिलीप अंधा होगा, लेकिन तेरी आंखें अभी तक नहीं खुली। दुनिया ने कहा और तूने उसे बिना सोच समझे मान लिया। बस कर जग घुमा। शंकर बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे सब कुछ नहीं मालूम था। कोई बात नहीं बलदेव दादा, गलतफहमी हो ही जाया करती। आओ बलदेव दादा। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफी दे दे। ओए, चल दे दी माफी, पर देख अब किसी के बहकावे में मत आना। नहीं, कभी नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी। तेरे पैर को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ रे, चक्का उतर गया। तेरा पैर अच्छा हो जाएगा ना? मुझे अपनी चिंता नहीं है, दिलीप की आंखों की फिक्र है, भगवान उसे जल्दी अच्छा कर दे। बस यही है मेरी कहानी। जिस भाई को देवता समझता था
वो राक्षस निकला। उस आवारा भाजी वाली ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे कहीं का न छोड़ा। नर्स, तुम क्यों रो रही हो? आपकी कहानी सुनकर मुझे अपनी कहानी याद आ गई। मेरे साथ भी यही जुल्म हुआ। तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ? मेरे पास मेरी छोटी बहन रहती थी। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ चली गई थी। जब वहां से लौटी तब मुझे पता चला। रोनी नर्स, क्या पता चला बताओ ना। मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया। मैं जिसे देवी समझा करती थी वो राक्षसी निकली। उसने मेरे पति को अपने कब्जे में कर लिया। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मोहल्ले वाले ने कहा, दुनिया ने देखा। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा? नहीं। तुमने खुद सुना? नहीं। अपनी बहन से पूछा? नहीं। अपने पति से पूछा? मैं उन दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहती, इसलिए घर छोड़ दिया और यहाँ चली आई। तुमने बहुत बड़ी गलती की कामनी देवी। मुझे अफसोस है कि तुमने मोहल्ले वालों की बातों का यकीन किया, अपने पति और बहन पर भरोसा नहीं किया। घर छोड़ने से पहले तुम्हें उनसे पूछ लेना चाहिए था। आप ठीक कहते हैं, शायद मुझसे भूल हो गई। तुमसे जरूर भूल हुई है कामनी देवी, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। आप ठीक कहते हैं, ऐसे मौके पर इंसान अंधा हो जाता है, उसकी अकल काम नहीं करती। दिलीप बाबू, जो गलती मुझसे हुई है शायद वही गलती आपसे भी हुई हो। चलो थोड़ा दबा। तेरी टांग ठीक हो जाएगी ना? हाँ, ठीक क्यों नहीं हो जाएगी, इतनी ठीक हो गई, बाकी भी ठीक हो जाए। जग्गू यहाँ टांगा लेकर नहीं आया अभी तक, ये गाड़ी में छूट जाए। शंकर भैया, टांगा ले आया हूँ, जल्दी करो। लकड़ी और जंगना उस तकिए के नीचे अस्पताल वालों की चिट्ठी पड़ी है, वो भी ले लेना। हे कृष्ण गोपाल, हे मेरे दाता, दिलीप की आज पट्टी खुलने वाली है। उसकी आंखें ठीक कर दे भगवान, मेरे भाई की आंखें ठीक कर दे। बाकी खोलो। भाभी, भैया, दिलीप, दिलीप तेरा भाई देखता है, देला पति बढ़ता है। दिलीप, दिलीप कसूर मेरा है, नई लोगों की बातों में आ गई। मैं कसूर बात हूँ, तेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है। उसने तो अपना ट्रक देखकर तेरी आंखों का इलाज कराया और अपने पैर का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। दिलीप अब बिल्कुल निर्दोष है, वो देवता है। वो भैया, 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 भैया,
भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं, तेरी आंखें अच्छी हो गई, मैं बहुत खुश हूं। नहीं थी ना, मैं पापी, मैंने आपके साथ बना किया, आपने मेरे साथ अच्छा किया, आप देखो। अरे पागल, भूल जा पिछली बात, भूल जा। मेरा पैर ठीक हो गया, मैं चल सकता हूँ, मैं लकड़ी के बगैर चल सकता हूँ। भैया ओए भगवान, वो तू इधर देख, दिलीप अच्छा हो गया। अरे वाह, अरे वाह भैया, अब तक ले आया हूँ। हाँ, अरे वो तो धनी राम के पास है। नहीं, अब तक अपनी है। कैसे? धनी राम मान गया इस बात को, जो खेत में हल चला है उसका, मिल में मजदूरी करे मिल उसकी, और ट्रक चला है फिर दारू पी गया। नहीं, कसम खुदा की छोड़ दिया। नहीं तक कहा तेरी ट्रक? नहीं, जरूर मेरी जरूरी। अच्छा हंसी क्या है, बताओ क्यों? जेट जी है, जीती रहो। मामा जी, और ये है देवर जी। हाँ? मैं मरद। मंजिल है मंजिल तेरे दीवाने, तेरे दीवाने रुकना न जाने। मंजिल है मंजिल तेरे दीवाने, तेरे दीवाने रुकना न जाने।